नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज चक्र में। मैं अभिसार शर्मा। न्यूज चक्र में आज ये दो चेहरे कटघरे में हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तो हर कोई कटघरे में खड़ा कर देता है, अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत कुछ ही पत्रकारों में है। मगर ये दोनों मुद्दे आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आपके समक्ष रखना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अमित शाह की। जी हाँ, एक ऐसे वक्त जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, तो क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह जी ने बिहार में वर्चुअल चुनावी रैली की। और बात यहाँ नहीं रुक रही, इस खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ दिनों में, जी हाँ, पश्चिम बंगाल के अंदर भी चुनावी रैली करने जा रही है। इनको कोई परवाह नहीं है कि देश में कोरोना संकट के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, मगर ये लोग चुनावी रैली ज़रूर करेंगे। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा अमित शाह ने कल जो अपनी चुनावी रैली में बातें कहीं उस पर, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो अखर रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब अमित शाह जो है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनके पीछे जो तमाम लोग चल रहे हैं ना, उन्होंने चेहरों पर मास्क पहना हुआ है, मगर अमित शाह जी ने उस मास्क को हटा दिया है। मतलब मुंह पर भी, होंठों पर भी वो मास्क नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले अमित शाह कुछ सरकारी मीटिंग्स में बैठे हुए थे तो उन्होंने सलीके से मास्क भी नहीं पहना हुआ था। उनकी जो नाक है वो खुली हुई थी, बस ये चेहरा, ये हिस्सा जो है वो बंद था। अब आप देखिए, यहाँ पर वो चल रहे हैं, जा रहे हैं, और जब तक वो अपनी सीट पर नहीं बैठ जाते हैं तब तक इनके चेहरे पर मास्क नहीं है, जबकि आसपास तमाम लोग मास्क पहने रखे हैं। जब आप देश की जनता को नसीहत देते हैं, जब आप देश की जनता को प्रवचन और ज्ञान देते हैं कोरोना को लेकर, तो क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भी उसे लागू करें? क्या इस मुद्दे को उठाया जाना जरूरी नहीं है? इस रैली को लगातार ये बताया जा रहा है कि ये गैर राजनीतिक रैली थी, इसका चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। ये बात अलग है कि इस रैली के अंदर अमित शाह ने राम मंदिर की बात की, अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, अमित शाह जी ने हर चीज की बात की जिसका ताल्लुक चुनावों से है। सुनिए आप खुद। पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घस में घुसकर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। राम जन्मभूमि, करोड़ों करोड़ों लोग न केवल भारत में, दुनिया भर में चाहते थे कि जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहीं पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। 150 साल से मसला अदालतों के अंदर इधर उधर घूमता रहता था, क्योंकि सरकारों की मंशा ही नहीं थी कि ये मसला अपने अंजाम तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी सरकार आई, सरकार ने सटीक पक्ष रखा, जजमेंट आ गया, श्री राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और मोदी जी ने पिछले ही सत्र के अंदर श्री राम जन्मभूमि के लिए एक ट्रस्ट बनाकर राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त। गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी इस वर्चुअल चुनावी रैली में गलत बयानी भी की। उन्होंने कहा कि हमने 85% जो ट्रेन का टिकट है उसे केंद्र सरकार ने अब से अपने जेब से दिया है। ये उन्होंने क्या कहा पहले आप सुनिए। रेलवे के अंदर 85% खर्चा भारत सरकार ने उठाया। इसे गलत बयानी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, क्योंकि जो आखिरी सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि टिकट का पैसा जिस राज्य से मजदूर जा रहे हैं और जिस राज्य को मजदूर पहुंच रहे हैं, इन्हीं दो राज्यों ने दिया है, केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। उल्टा आज मैं चुनौती देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, क्या तुम एक भी सरकारी फरमान मुझे दिखा सकते हो, एक भी सरकारी फरमान जिसमें यह लिखा हो कि केंद्र सरकार जो है वो 85% पैसा दे रही थी टिकट का। संबित पात्रा ने भी ट्वीट करके कहा था कि हम 85% पैसा दे रहे हैं टिकट का, बल्कि खुद आपके सोलिसिटर जनरल ने आपकी पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि जो जिन राज्यों से मजदूर निकल रहे हैं और जिन राज्यों को मजदूर पहुंच रहे हैं उन्होंने टिकट किया। उल्टा गुजरात सरकार का यह फरमान देखिए, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अश्विनी कुमार ने कहा है कि जो मजदूर जा रहे हैं वो अपनी जेब से पैसा भरेंगे। ये हालत है गुजरात की, जो कि आपका मॉडल राज्य है, मगर आप सरासर गलत बयानी करते रहे।
अपनी रैली में अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। वो ये भी कहते हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा है आपको, बिहार की जनता को विपक्ष के बहकावे में ना आए, ये ना भूलें बिहार की महक सभी राज्यों की नींव में है। हमने 1.25 करोड़ लोगों को घर तक पहुंचाया, मगर क्या हमें अमित शाह जी ने यह बताने का कष्ट किया है कि जिन लोगों को आपने घर में पहुंचाया, आप 1 महीने करीब 1.5 महीने तक खामोश रहे थे। आपसे मिन्नतें लगातार कर रहे थे उद्धव ठाकरे, आपने उनकी बात नहीं सुनी और आखिरकार जब गरीब सड़क पर मरने लगा तब आपने उसे पहुंचाने का काम किया। ये ढेरों मिसालें आपके सामने हैं, क्या आप इससे आंखें मोड़ सकते हैं, मुंह मोड़ सकते हैं, बताइए अमित जी। बात यहाँ नहीं रुकती, मैं आपको मुजफ्फरपुर की 2 मिसालें बताना चाहूँगा दोस्तों। कहने को ये सिर्फ 2 मिसालें हैं, मगर इसके अंदर रेल मंत्रालय ने किस तरह की गलत बयानी की, किस तरह की नाइंसाफी की, ये पता चलेगा। ये तस्वीर याद है, ये महिला, इसकी लाश के आसपास ये बच्चा घूम रहा है लगातार, इसकी माँ मर चुकी है। सरकार ने, रेल मंत्रालय ने ये फरमान जारी किया कि दरअसल इस महिला की मौत बीमारी की वजह से हुई। यही नहीं, इसके जीजा से ये लिखवा भी लिया गया एक लेटर में कि दरअसल ये मानसिक तौर पर बीमार थी और कई तरह की बीमारियों से पहले से ग्रसित थी, जबकि इस औरत का कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। अब उसी जीजा ने लगातार इसके जितने भी बयान आए इसने स्पष्ट किया, मृत्यु के तुरंत बाद और बाद में जब वो घर पहुंचा उस वक्त भी इसने लगातार कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। अब आप सुनिए घर पहुंच के उसने उस वक्त क्या कहा था। उसने कहा कि ये भूख से मरी है और उसे कोई बीमारी नहीं। फिर सुनिए। एक्चुअली मौत कैसे हुआ? मौत वो खाने वजह से हुआ है, खाना वाना मिला ही नहीं है ट्रेन में, पानी वानी कुछ मिला ही नहीं था ट्रेन में। अच्छा, कुछ व्यवस्था था नहीं ट्रेन में। कुछ बोले थे कि मानसिक रूप से विकसित नहीं, वो सिर्फ गलत था, वो तो एक ही टेंशन में बोल दिया था उसने। उस टाइम तो दिमाग ही कुछ खराब था सबका, मेरा खुद दिमाग काम ही नहीं कर रहा था उस टाइम। मीडिया वाला आके सवाल से सवाल पूछ ही जा रहा था, उस टाइम हम क्या जवाब दे वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, तो तुम बोले नहीं पानी वानी का व्यवस्था नहीं? हम तो वो भी बोल रहे हैं कि पानी वानी खाना वाना का किसी चीज का सुविधा था ही नहीं वहाँ पे। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज से कुछ हफ्तों पहले आपने एक हलफनामा दायर किया था जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है कि सड़क पर इस वक्त कोई मजदूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने गलत बयानी की, आपने ये कहा कि आपने 23 लाख लोगों को मदद दी, मगर सड़क पर जो मजदूर है वो लगातार मरता रहा। ज्योति पासवान ने इस तरह से अपने पिता को साइकिल में बिठाकर गुड़गांव से बिहार तक ले गई वो, फिर आप उस पर भी सियासत करने लगे। आपने कहा कि इसे साइकिलिंग प्रतियोगिता में शामिल किया जाए, ये बात अलग है। ज्योति पासवान ने सरकार के मुंह पर करारा तमाशा मारा ये कहकर कि मुझे कोई साइकिलिंग वाइकलिंग नहीं करनी, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। आप लगातार एक्सपोज होते रहे और आप ये दावा कर रहे हैं कि हमने मजदूरों की बात या ध्यान रखी। मजदूर लगातार सड़क पर था। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार को संबोधित की गई अपनी इस चुनावी रैली में, वर्चुअल चुनावी रैली में यह भी दावा कर दिया कि भारत की रक्षा नीति बेहतरीन रक्षा नीतियों में से है, सिर्फ अमेरिका और इसराइल हमसे बेहतर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि खुद भारतीय जनता पार्टी नेता ऐसा कह रहे हैं कि चीन जो है वो भारतीय जमीन पर आकर उसने कब्जा कर लिया है। यही नहीं, भारत और चीन के बीच बातचीत होती है और मीडिया को यह मशवरा दिया जाता है कि आप खामोश रहें, आप इस बातचीत के बारे में कुछ ना कहें। तो आखिर इस तरह की पारदर्शिता की कमी क्यों है? क्या यह कहना सही नहीं है कि इस वक्त LOC पर, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो LOC है, वहां पर पहले से कहीं ज्यादा युद्ध विराम उल्लंघन होते हैं, सीज फायर वायलेशन होते हैं? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं? भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली, पूरा दुनिया ये मानने लगा कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया। आप जानते हैं सबके दुख की बात क्या है, ये क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सियासत करने में विश्वास करती है। इस वक्त भी गुजरात में क्या हो रहा है, गुजरात में कांग्रेस के 3 विधायक कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहां पर राज्यसभा चुनाव होने हैं।
यही नहीं, ताजा खबर क्या है, गुजरात के जो 19 विधायक हैं कांग्रेस के, उन्हें राजस्थान के माउंट आबू रिजॉर्ट में भेजा गया है। ये ड्रामा हो रहा है कोरोना संकट के बीच। आम इंसान को कुछ और ज्ञान दिया जाता है। मैं जानता हूं इस पर आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेंगे, बिल्कुल खड़ा भी करना चाहिए कि यह ड्रामा हो रहा है, मगर दूसरी तरफ जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कोरोना संकट के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी गुजरात में विधायकों की खरीद फरोख कर रही है, इस सियासत के बारे में दरअसल गृह मंत्री अमित शाह क्या कहेंगे? बात यहां नहीं रुकती। क्या आप जानते हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी रैली करने जा रही है? पश्चिम बंगाल में भी रैली करने जा रही है, यानी कि देश की जनता को क्या दिक्कतें हैं इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में चुनावी रैली कर दी, पश्चिम बंगाल में अब वर्चुअल चुनावी रैली होने जा रही है और यह दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए हम 10 लाख लोगों तक पहुंचेंगे। तो जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया ना कि अरविंद केजरीवाल को तो हम सब कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, मगर गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत बहुत कम लोग दिखाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। यही न्यूज क्लिक का मंच था। जब कोरोना संकट की शुरुआत हुई थी तब मैंने दिल्ली मॉडल की तारीफ की थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है अरविंद केजरीवाल का यह तथाकथित दिल्ली मॉडल जो है वो विवादों में घिरता जा रहा है। एक एक करके मिसालें आपके सामने। मसलन ये मिसाल, एक बेटी अपने पिता को लेकर घूमती रही, 5-5 अस्पतालों से गुजर गई वो, मगर उसे कोई इलाज नहीं मिला। ये एक और मिसाल आपके सामने। यहां पर क्या खबर है कि एक 80 साल के बुजुर्ग ने वेंटिलेटर और अस्पताल में बेड के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई, जब मामले की सुनवाई हुई उस बुजुर्ग की उससे पहले ही मौत हो गई। पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ता शाहिद सिद्दीकी बता रहे हैं कि उनकी एक रिश्तेदार थी, उनको कितनी दिक्कतें पेश आई इस पूरे मामले में, उसकी पूरी बानगी आप देखिए ट्विटर हैंडल पर उनके मौजूद है पूरी। और सबसे हैरत में डाल देने वाली बात, अरविंद केजरीवाल का ताजा फरमान। ये ताजा फरमान क्या कहता है, उन्होंने आज से बॉर्डर खोल दिए हैं, ठीक है, आपने सारे बॉर्डर खोल दिए हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हर तरफ से। अब वो क्या कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो अस्पताल आते हैं उसमें कोरोना का इलाज सिर्फ दिल्ली के नागरिकों का होगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि बाकी बीमारियों के लिए तमाम जो नागरिक हैं आसपास के वो आ सकते हैं, ये बात उन्होंने कही है। बात यहां नहीं रुकती। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, क्योंकि वो कुछ चीजों का पालन नहीं कर रहे थे, और इसी को लेकर कई सवाल इस वक्त दिल्ली सरकार पर खड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद हैं। ये तमाम सवाल उनसे किए जाने बेहद जरूरी हैं। आइए उस इंटरव्यू के कुछ अंश देखते हैं। संजय, ये बताइए कि दिल्ली सरकार का ये बहुत ही अजीबोगरीब फरमान है जिसमें आपने बॉर्डर्स तो खोल दिए हैं मगर ये कहा है कि कोरोना मरीज जो हैं सिर्फ दिल्ली के अस्पतालों में दाखिल किए जाएंगे, ये कैसा तुगलकी फरमान है? देखिए अभिसार, मुझे लगता है कि इसको बाहरी वर्सेस दिल्ली वाले की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, और इसमें हम कोई भेदभाव कर रहे हैं इस दृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस फैसले को मैनेजमेंट की दृष्टि से और विशेष परिस्थितियों में लिए गए निर्णय के तौर पे देखना चाहिए। पहले भी दिल्ली में बाहर से जो भी आता था सारे लोगों के लिए उनके लिए बेड थी और यहाँ पे लोग एडमिट होते थे, ऐसा नहीं कि पहले इलाज नहीं होता रहा, पहले भी होता रहा। आज एक कोरोना के कारण विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुई है और जिसमें दिल्ली में रहने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ कोई बाहर से आए हुए लोग, मतलब दिल्ली में रहने वाले लोग यूपी, बिहार, हरियाणा के ही हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई यूपी बिहार के लोगों से भेद कर रहे हैं। और ये इसलिए निर्णय लेना पड़ा अभिसार जी, मैं आपको बता दूं, नोएडा में दिल्ली के आईडी कार्ड पे आप अपना इलाज नहीं करा सकते। अगर कोई यूपी वाला चाहे कि वो नोएडा में, गाजियाबाद में अपना इलाज करा ले, वो नहीं करा सकता। तो दिल्ली में अगर क्राइसिस पैदा होगी तो हम कहां से बेड का इंतजाम करेंगे, कहां ऑक्सीजन और वेंटिलेटर करेंगे? संजय, इसमें दो दिक्कतें हैं। एक बात और क्लैरिफाई करो, 10,000 बेड, ठीक है, आप दिल्ली को दिल्ली NCR से जुदा कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप दिल्ली की तुलना नोएडा से कर रहे हैं जो सरासर गलत है, क्योंकि दिल्ली सालों से, दशकों से
दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का बसेरा रही है, दूसरी तरफ आप दिल्ली को दिल्ली एनसीआर से अलग कर रहे हैं, साथ में फरीदाबाद है, गुड़गांव है, नोएडा है, नोएडा बिल्कुल सीमा। मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, एक तो ये कल से जो बात चलाई जा रही है कि बाहर के लिए बिल्कुल बेड, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के 10,000 बेड है, स्टेट गवर्नमेंट के 10,000 बेड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 10,000 बेड है वो सबके लिए ओपन है। यहाँ पे क्रिटिकल सर्जरी के लिए जो भी किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड जो भी पेशेंट बाहर से पूरे देश से आएंगे वो यहाँ आ सकते हैं, उन पे कहीं कोई रोक नहीं है। हमने तो सिर्फ नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, वो तो आपके सरकारी फरमान का हिस्सा है संजय। मैं सिर्फ कोरोना मरीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कोरोना के कारण एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई है, और ऐसे में तो मैं उम्मीद करता था कि जहां पे केसेस कम है वो राज्य हमारी मदद करते, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कहते भाई हमारे यहाँ हम कोरोना के संक्रमित मरीजों के दिल्ली के लोगों को अभी इलाज करेंगे, वो तो कहते हैं दिल्ली वाले कोरोना फैलाते हैं, नोएडा में एंट्री बंद, गुड़गांव में एंट्री बंद, वो तो इस तरह का भेदभाव करते हैं। और हमने अगर कोई दिल्ली में रहने वाले यूपी बिहार के लोगों के हित में कोई निर्णय लिया तो वो कहा जाता है कि साहब ये संविधान विरोधी है और ये गलत। संजय मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी बात समझ गया, क्या ये बात सही नहीं है कि अब धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है दिल्ली सरकार के हाथ से चीजें बेकाबू हो रही हैं, ढेरों मिसालें हमारे सामने हैं। मसलन इस वक्त मेरे सामने एक अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ कोरोना संदिग्ध डॉक्टर पिता को लेकर बेटी 5 अस्पतालों में चक्कर लगाती रही, किसी ने भर्ती नहीं किया, उसने दम तोड़ दिया। फिर एक और मामला था, एक बुजुर्ग ने हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी क्योंकि उसे वेंटिलेटर और हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा था, उससे जब सुनवाई हुई उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। ऐसी कई मिसालें उभर कर आ रही हैं, शाहिद सिद्दीकी की मिसाल है कि पत्रकार और फॉर्मर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनकी किसी रिश्तेदार का मामला है, उनकी भी ऐसी मौत हो गई। क्या दिल्ली हालात को काबू नहीं कर पा रहा है, जो 3 स्पेसिफिक मिसालें दी है मैंने आपको? बिल्कुल, ये मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। अभिसार जी देखिए, ऐसा है कि पहले दिन से ही हम बेहतर चिकित्सा सुविधा दिल्ली में देने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार प्रयास कर रही है, और इसमें हमने 9,000 बेड सुरक्षित किए हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट्स की व्यवस्था, नर्सेज के लिए पीपीई किट्स की व्यवस्था, उनके रुकने के लिए होटल्स के इंतजाम, यानी हम चिकित्सा प्लाज्मा थेरेपी जैसी चिकित्सा विधि को अपनाया जिससे लोगों की जान काफी हद तक बचाने में हम कामयाब हुए। तो दिल्ली के अंदर हम लोग चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर सजग हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि ये बड़ी महामारी है, एक बड़ा संकट है, और रातों रात सब कुछ करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम फेज वाइज जैसे हमसे पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, आप कह रहे हैं, सुनिए संजय भाई, इसका मतलब ये हुआ आप कह रहे हैं रातों रात करना मुश्किल है, 5 साल आपकी सरकार थी, आपकी उपलब्धि, आप हमेशा कहते थे मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन था, रातों रात अब आप कह रहे हैं कि करना संभव नहीं है, इसका मतलब 5 साल आप नहीं कर पाए दुरुस्त, उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं, ये जो तमाम मिसालें मैं आपको बता रहा हूं उसी का नतीजा है। संजय क्या ये बात सही नहीं है? मुझे लगता है कि इसी का जवाब आपको देना मुझे जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी इस बात का जवाब है, आज दिल्ली में हमने क्या किया और हमारी चिकित्सा सुविधा कैसे दूसरों से बेहतर है ये जानना जरूरी है। दिल्ली हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां पे पर मिलियन ज्यादा टेस्टिंग होती है, दिल्ली हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां पर हम लोगों ने मृत्यु दर, लोगों का जीवन बचाने में इतने हाई रिस्क पे हम रहते हैं कि यहाँ पे बाहर से आने वाली फ्लाइट्स के जरिए बहुत सारे तरीकों से यहाँ पे कोरोना के संक्रमण फैलने की बहुत सारी संभावनाएं होने के बावजूद हमने दिल्ली में लोगों का जीवन बचाने में बहुत अच्छी सफलता पाई, इसलिए कि हमारा हेल्थ सिस्टम बेहतर है। बेड्स हमारे पास आज भी 4,000, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 4,000 बेड हमारे खाली है हॉस्पिटल के अंदर। अहमदाबाद जिसके चिकित्सा मॉडल का पूरे दुनिया में डंका पीटती है बीजेपी, वहां अहमदाबाद में 6.9% मृत्यु दर है, दिल्ली में 2.6% मृत्यु दर है। तो हम टेस्टिंग के मामले में, मृत्यु दर के मामले में, हॉस्पिटल की फैसिलिटी उपलब्ध कराने के मामले में बहुत आगे हैं, और इसी के कारण आज दिल्ली अपनी सारी तैयारियां कर रही हैं। हमने आने वाले दिनों में होटल्स को, बैंक्वेट्स को, तमाम और अरेंजमेंट्स किए हैं, जरूरत पड़ेगी तो स्टेडियम्स को,
हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे पूरी तरीके से। नहीं संजय, मगर ये जो मिसालें हैं वो कम से कम उस जीत को प्रमाणित नहीं कर रही हैं, और ये जो तमाम चीजों का बखान आप कर रहे हैं, क्या उसी का नतीजा है कि आप सर गंगाराम हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज कर देते हैं? एक ऐसे वक्त जब आपको डॉक्टर्स के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए संजय, आप FIR दर्ज कर रहे हैं, ये कहां से जस्टिफाई? अभिसार जी, ये बातें जब मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सरकार डॉक्टरों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी हुई है और जो सरकार डॉक्टर्स को सबसे बेहतरीन फैसिलिटी हिंदुस्तान में दे रही है, हमसे ये कहा जा रहा है कि हम डॉक्टरों के खिलाफ हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल किसी मरीज के साथ अमानवीय व्यवहार करेंगे, उनको एडमिट नहीं करेंगे, उनसे ओवर विलिंग करेंगे, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये थे संजय सिंह, जिनसे हमने दिल्ली सरकार के इस दिल्ली मॉडल पर सवाल किए जो लगातार विवादों में घिरता जा रहा है, जो इस वक्त कटघरे में है। न्यूज क्लिक में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, न सिर्फ इसे लाइक और शेयर करें बल्कि वो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।